हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज जानते हैं एसआई भर्ती परीक्षा, ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर क्या कुछ नया चल रहा है और क्या एसआई की भर्ती परीक्षा रद्द होगी या ईओआरओ की भी रद्द होगी। जैसे जैसे पुलिस नया अनुसंधान कर रही है, रोज कुछ न कुछ नए खुलासे होते जा रहे हैं। आज आरपीएससी की मेंबर डॉक्टर मंजू शर्मा से पूछताछ की है एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने और उनकी टीम ने। एक दिन पहले ही आरपीएससी की एक मेंबर संगीता आर्य के घर पे भी एसीबी का छापा पड़ा था और उनसे भी पूछताछ की गई थी। आप सब जानते हैं कि जो ईओआरओ की भर्ती थी EORO एग्जाम 2022 जुलाई 2023 के अंदर जो राजस्थान राज्य घुमंतु बोर्ड है उसके पूर्व चेयरमैन और राज्य मंत्री गोपाल केसावत, इनका नाम आपने सुना होगा, जुलाई 2023 में एसीबी इनको रंगे हाथों ट्रैप करती हैं। कुछ अभ्यर्थियों को ईओआरओ के एग्जाम में पास कराने के एवज में 18 लाख और 50 हजार रुपये की रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए एसीबी ने इनको पकड़ा था और उसके पश्चात में एक डॉक्टर और दो अन्य लोगों को भी इसी प्रकरण में पकड़ा गया। इसके बाद इनसे पूछताछ की गई तो जांच में सामने ये आया कि इन लोगों ने मंजू शर्मा के नाम पर पैसे मांगे थे। तो इसी सिलसिले में आज मंजू शर्मा से पूछताछ की गई। मंजू शर्मा को आरपीएससी का चेयर सदस्य बनाया गया था पिछली सरकार के द्वारा और आपको पता है कि मंजू शर्मा डॉक्टर कुमार विश्वास की पत्नी हैं जो अजमेर की ही निवासी हैं। ईओआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में अभ्यर्थियों ने शुरू से ये आरोप लगाए हैं कि इस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हुआ है और इसमें धांधलेबाजी हुई है। प्रथम दृष्टया जब पहले दिन एग्जाम हुआ था तो उसमें ही कुछ गड़बड़ी सामने आई थी कि एग्जाम में जो दो पारियों में एग्जाम लिया गया था उसमें पहली और दूसरी पारी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए थे। वो कहीं ना कहीं आरपीएससी पेपर सीटर की एक बहुत बड़ी चूक थी क्योंकि जो प्रश्न पहले पारी में आए थे और उसी प्रकार के प्रश्न कुछ प्रश्न दूसरी पारी में भी पूछे गए। इसी प्रकार एसआई भर्ती में कुछ और लोगों को एसीबी जो एसओजी हैं वो गिरफ्तार कर रही हैं और डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। तो जो एसआई की भर्ती है उसको रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। गोपालपुरा बाईपास पे एक मार्च भी निकाला गया है इसको लेकर कि भर्ती रद्द की जाए। और दूसरा ये कि जो एसआई की भर्ती है उसको कराने को लेकर जो नया एक पैटर्न, मतलब आरपीएससी चेयरमैन ने जो सुझाया है कि एसआई की भर्ती क्यों ना आरएस भर्ती परीक्षा के साथ करवा ली जाए, इसको लेकर भी विरोध जारी है और उसमें अभ्यर्थियों की कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे मांग है कि अगर आरएस की भर्ती परीक्षा के साथ एसआई का एग्ज़ाम करवाया जाता है तो उसका जो मापदंड है वो अलग हो जाएगा। वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया का पैटर्न है वो डिफरेंट है, उसमें एक जीके का पेपर है उसके साथ हिंदी का एक पेपर है। वहीं अगर आप आरएस का एग्ज़ाम देखें तो उसका काफ़ी विस्तृत सिलेबस है, स्टेप वही तीन हैं। चूँकि एसआई के एग्ज़ाम में पहले एक रिटर्न पेपर होता है ऑब्जेक्टिव दो, वो पेपर होने के बाद उसकी मेरिट के आधार पर फिजिकल टेस्ट होता है और फिजिकल और पेपर की मेरिट के आधार पर इंटरव्यू कॉल होता है। फिर एग्रीगेट जो मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो इसको लेकर भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट और अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा को आरएस भर्ती परीक्षा में शामिल करने का जो विचार राज्य सरकार के समक्ष हैं उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ट्विटर पे कई सारे लोग ट्वीट करके अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं। इसके अंदर जो मुख्य रूप से अड़चन का विषय है वो एक तो ये है एज वाला, क्योंकि जो एसआई की
एज लिमिट है वो डिफरेंट है और आरएस और सबॉर्डिनेट एग्जाम्स की जो एड का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो कहीं कहीं ये इस भर्ती प्रक्रिया को समान नहीं बनाता है, ये डिफरेंट है। दूसरा ये है कि जो अभी वर्तमान में जो पैटर्न प्रचलित है वह पैटर्न और जो आरएस परीक्षा का पैटर्न है उसमें रात दिन का अंतर है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हैं दो, उसके बाद में फिजिकल है और इंटरव्यू है। आरएस में देखा जाए तो उसमें प्रीलिम्स एग्जाम हैं और उसके बाद में चार कॉमन पेपर हैं, उसमें दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके कुछ प्लस और माइनस अलग अलग पॉइंट हैं, उससे हो सकता है कि कई सारे अच्छे अभ्यर्थी राज्य सरकार को मिल सकते हैं। दूसरी ओर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उनके लिए इस भर्ती परीक्षा को आरएस की भर्ती परीक्षा में शामिल करने से कहीं कहीं उनके अवसर कम हो जाएंगे। अब जो ईओआरओ की भर्ती परीक्षा है उसमें जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो अनुसंधान चल रहा है, गोपाल कसावत को जब गिरफ्तार किया गया था उस बात को लेकर तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। अब एसीबी ने वापस से रफ्तार पकड़ी है और संगीता आर्य और जब मंजू शर्मा का नाम इस भर्ती परीक्षा में आया था तब से लेकर इनके ठिकानों पे एसीबी के छापे पड़े हैं, उनसे पूछताछ की गई है। और अगर इस प्रकार का कोई भी घपला इस भर्ती परीक्षा में हुआ है तो निश्चित तौर पे भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जितनी भी भर्तियां हैं इसमें ये घोटाले कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं और उन ईमानदार लोगों को हतोत्साहित करते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं इन परीक्षाओं में चयन के लिए। कहीं ना कहीं उनके हितों पर ये कुठाराघात होता है जब कोई अभ्यर्थी पैसों के बलबूते पे उनसे वो नौकरी, उनके वो सपने छीन कर ले जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रकार का कोई अंदेशा है कि इस भर्ती परीक्षा में पैसे चले हैं, कोई पेपर बिका है या पेपर आउट हुआ है, वो एक अनुसंधान का विषय है, उसको एसीबी और एसओजी अलग अलग स्तर पर देख रही है। अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है तो निश्चित तौर पर ईओआरओ की भर्ती भी रद्द की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार में जो ये पेपर लीक की घटनाएं निरंतर हो रही हैं उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं तैयारी करने वाले, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हो, पटवारी, ग्राम सेवक, जितने भी एग्जाम होते हैं हर एग्जाम में कहीं कहीं घपलेबाजी का आरोप लगता है और कुछ तथ्य सामने आते हैं, कुछ आरोप साबित भी होते हैं, फिर सरकार पेपर रद्द करती है। ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है तो अब कहीं कहीं ये सिलसिला रुकना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर सरकार को जो बनाने वाला वोटर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो यूथ का ही है, और अगर कोई भी सरकार यूथ के मनसूबों पर खरी नहीं उतरती है तो कहीं कहीं उसके पैर डगमगाना शुरू हो जाते हैं और निकट भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो सरकार भी कहीं कहीं ये चाहेगी कि उनके ऊपर ऐसा कोई लांछन नहीं लगे जिससे युवा अभ्यर्थियों में कोई रोष उत्पन्न हो। अब हालांकि ये एक मूवमेंट का रूप ले चुकी है सारे अभ्यर्थी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाने का अधिकार है और उन सभी अभ्यर्थियों को भी अधिकार है कि वो अपने लिए न्याय मांग सके। अब बात मुख्य रूप से ईओआरओ और एसआई भर्ती परीक्षा की है, जो ऐसा ही एग्जाम है एक तो ये और एक ही और एग्जाम आगे चलकर। इसमें खूब सारे एग्जाम है, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, हर आरएस के एग्जाम में इस प्रकार के कई कई आरोप तो हर बार लगाए जाते हैं। जो इंटरव्यू में एक मार्किंग पैटर्न दिखता है जब रिजल्ट्स जारी होते हैं वो भी कई कई संदेह के घेरे में है। चाहे आप आरएस के किसी भी एग्जाम को लेंगे तो आरएस के एग्जाम में हाईएस्ट जो इंटरव्यू मार्क्स हैं वो 80 तक हैं और मिनिमम 40 तक हैं, इनके बीच का जो गैप है वो 40 मार्क्स का है। कई लोगों को तो इवन 25 मार्क्स तक भी आरएस में दिए हुए हैं। तो ये जो गैप्स क्रिएट किया जाता है मेंबर्स के द्वारा डेलिब्रेटली लोगों को बाहर निकालने के लिए वो कहीं कहीं अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा असंतोष का विषय है, क्योंकि कई अभ्यर्थी दबी जुबान से इस चीज की बात करते हैं। हालांकि ये एक
मूवमेंट का रूप नहीं ले पाया और जो आरएस मेंस की कॉपियों में धांधलेबाजी हुई है उसका आरोप खुद स्वयं मंत्री लगा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जो किरोड़लाल मीणा जी हैं उन्होंने भी इस प्रकार की कुछ कॉपियां मीडिया के सामने पेश की हैं जिसमें पहले एनए लिखा यानी नॉट अटेम्प्ट और उसके बाद में उसमें आंसर लिखा हुआ है, बकायदा नंबर दिए गए हैं। तो इस प्रकार के समस्त जो एलिगेशन है उनकी जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो, क्योंकि जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो गांव ढाणी में बैठे अभ्यर्थी और उनके जो माता पिता हैं उनके मन में कहीं कहीं एक संकोच उत्पन्न होता है कि क्या हम किस व्यक्ति या किस संस्था पर विश्वास करें कि वो पूर्ण ईमानदारी का पालन करेगी और जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको अवसर प्रदान करेगी। क्योंकि इस प्रकार की जो खामियां हैं ये सिस्टम में चलती रही तो सिस्टम के अंदर वही लोग, जो लोग अगर कोई आदमी पैसा देके सिस्टम में घुसता है तो निश्चित तौर पर वो उस सिस्टम से ही तो उस पैसे की रिकवरी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आदमी करप्ट प्रैक्टिस से उस सिस्टम में घुसता है तो वो शुरू से ही करप्ट प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाता है और वो उस सिस्टम को भीतर से खोखला करता है। तो ये जो तीन मुद्दे थे इस पे मैंने चर्चा करने की कोशिश की, पहला ईओआरओ, एसआईओ और जो आरएस एग्जाम्स हैं या फिर अन्य और भी एग्जाम हैं, कई सारे अभ्यर्थी कमेंट करके बोलते हैं कि हाईकोर्ट एलडीसी हो चाहे दूसरी भर्तियाँ हो, सेकंड ग्रेड की भर्ती जिसमें बाबूलाल कटारा को पकड़ा गया था आरपीएससी के मेंबर को पेपर लीक प्रकरण में, तो इस प्रकार के कई पेपर लीक होते हैं उन पे कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, वो होनी चाहिए और आगे से ये सब रुकना चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई होती है और पुख्ता नहीं होती है तो ये सारी चीजें निरंतर चलती रहती हैं। जब कोई चीज रुक नहीं पाती है तो फिर उस कार्रवाई का कोई असर दिखाई नहीं देता है। तो उम्मीद करते हैं कि एसओजी और एससीबी मिलकर कुछ ऐसी कठोर कार्रवाइयां करेगी आगे जिससे कि राजस्थान का जो युवा अभ्यर्थी है उनके मन में एक नया विश्वास जगेगा और वो जो ईमानदारी से तैयारी करने वाले लोग हैं उनको निश्चित तौर पर फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।